सबसे पहले सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग, फिर से नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC ANM 10709 केस अपडेट, सभी मिलकर 32,127 ANM बहनों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपसी झगड़ा के कारण 32,127 ANM बहनों के फ्यूचर बर्बाद करके रख दिया है ये सब मिलकर। अब 32,127 ANM बहनों को कोई ठोस कदम उठाना होगा, नहीं तो ये सब 2025 में भी ये केस क्लियर नहीं होने देगा। तो दोस्तों लगातार हम आप लोग को बोल रहे हैं, लगातार जो है 32,127 ANM बहनों को बोल रहे हैं कि आप लोग कोई ठोस कदम उठाइए, क्योंकि आप लोग अगर जागरूक नहीं होइएगा तो ये 2025 में भी वैकेंसी क्लियर नहीं होगी। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, 7 महीना हो चुकी है, आपको भी पता होना चाहिए, जो मई में ही सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और अभी तक फाइनल स्टेज तक केस नहीं पहुंच पाई है। आखिर रीजन क्या है? लोग को आपसी झगड़ा में बच्चों को क्यों पीसा जा रहा है? हमारी 32,127 ANM बहन इसमें पीस रही है और आपसी झगड़ा के कारण ये केस क्लियर नहीं हो रही है। तो चलिए इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो BTSC ANM 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं जल्द से जल्द यह बहाली क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, पहला देखिए प्रश्न लिखे हैं, सभी मिलकर 32,127 ANM बहनों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये हकीकत है। बताइए मई में आए सुप्रीम कोर्ट में केस गया, ठीक है, और अभी देखिए हम लोग दिसंबर में चल रहे हैं और फाइनल स्टेज तक अभी तक केस नहीं पहुंची है, जो कि आपको पता होना चाहिए। पटना हाई कोर्ट में 4 महीना में 2 केस क्लियर हो गई, सिंगल बेंच और डबल बेंच, फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्लियर क्यों नहीं हो रही है? रीजन यही है कि सभी लोग मिल के 32,127 ANM बहनों को फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है जो ये केस क्लियर हो, समझे कि नहीं? जानबूझ के जो है ना आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ठीक है। उनके एडवोकेट के द्वारा जो है समय ले लिया गया, उनके एडवोकेट के द्वारा समय ले लिया गया, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी 32,127 ANM बहन ऐसे ही पिसती रहेगी? आपसी झगड़ा में हमारी 32,127 ANM बहन क्यों पिसा रही है? आखिर रीजन क्या है? तो चलिए सारे आज सच्चाई इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। अगला देख लीजिए, आपसी झगड़ा के कारण 32,127 ANM बहनों के फ्यूचर बर्बाद करके रख दिया ये सब मिलकर। हकीकत यही है, जब आपको पटना हाईकोर्ट में 4 महीना के अंदर जब 2 केस क्लियर आप करवा सकते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जब मई में सुप्रीम कोर्ट में केस आई, सोचिए अभी दिसंबर में हम लोग चल रहे हैं, 7 महीना हो गया है और अभी तक केस क्लियर नहीं हुई है। आखिर रीजन क्या है जो कि फाइनल स्टेज तक अभी तक केस नहीं पहुंच पाई? क्योंकि ये आपसी झगड़ा में हमारी 32,127 ANM बहन पिसा रही है। बार बार हम आप लोग को कह रहे हैं जो घर बैठने से काम नहीं होगी, आप लोग जो है कोई ठोस कदम उठाइए तभी काम बनेगी, अन्यथा ऐसे ही 2025 में ये लोग भी क्लियर नहीं होने देंगे। ये लोग 2025 में भी केस को क्लियर नहीं होने देंगे, समझे कि नहीं? जिस रफ्तार से अभी जो है आरोप प्रत्यारोप चल रही है, तो लगता नहीं है 2025 में ये केस क्लियर होगी। और सरकार तो चाह ही रहे जो केस अभी 1-2 साल और लटके रहे ताकि हमको पैसा देना नहीं पड़े, सरकार तो चाह ही रही है। इसलिए अब ठोस कदम सिर्फ और सिर्फ हमारी बहन को उठाना पड़ेगा। हमारी ANM बहन अगर तैयार हो जाएगी तो 1 महीना के अंदर गारंटी के साथ कहते हैं ये केस क्लियर हो जाएगी, समझे कि नहीं? अगर आप लोग अगर ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो ऐसा ही आरोप प्रत्यारोप ऐसा ही लगते रहेगा और तारीख पे तारीख आपको सुप्रीम कोर्ट में मिलता रहेगा, समझे कि नहीं? इसीलिए हमारी ANM बहन सभी लोग अब एक्टिव होइए, सभी लोग एक्टिव होइएगा तभी काम बनेगी, अन्यथा काम नहीं बनेगा, समझे कि नहीं? एक एक चीज हम आपको बताने वाले हैं आगे करना क्या है आपको, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगर एक्टिव नहीं होइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
अब 32,127 एनएम वाहनों को कोई ठोस कदम उठाना होगा, नहीं तो ये सब मिलकर 2025 में भी ये केस क्लियर नहीं होने देगा। कल आप देखे सुनवाई में क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग आके आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आखिर ये कब तक क्लियर होगा, आखिर ऐसा ही कब तक चलते रहेगा। जो संविदा एनएम वाहन है उन्हें तो कुछ ना कुछ पेमेंट मिलता है, मान लीजिए महीना में 10,000 मिल ही रहा है, और जो हमारी फ्रेशर एनएम वाहन है उन पर क्या बीत रहा। अगर मान लीजिए अगर कोई सुसाइड अगर कर लेती है अभी हमारी एनएम वाहन तो कौन फंसेगा। जो अपने आप को लीडर समझ रहे हैं और समझती है सभी के सभी जो है चक्की पीसना स्टार्ट कर देंगे, समझे कि नहीं। जिंदगी भर जेल में जो है ना चक्की पीसते रहेंगे अगर हमारी एनएम वाहन अगर किसी के वजह से अगर सुसाइड करती है तो। स्थिति यहां पर यह हो गया है, बस से बेहतर होते जा रहा है स्थिति। इतना लंबा लंबा समय मिल रहा है, हमारी एनएम वाहन परेशान है। आप सोचिए, आप खुद सोचिए, फिर से जो है 20 दिसंबर मिल गई है, अभी आज 3 दिसंबर ही है, सोचिए इतना लंबा लंबा समय क्यों मिलता है। आखिर ये क्लियर होगा या नहीं होगा, आरोप प्रत्यारोप पर कब तक चलते रहेगा, आखिर क्लियर सब मिलकर काहे न करवाते हैं, आखिर रीजन क्या है। तो ये आप लोग को आवाज उठाना पड़ेगा, हमारी एनएम बहनों को आवाज उठाना पड़ेगा। अगर हमारी एनएम बहन एक्टिव नहीं होते हैं तो ऐसा ही आरोप प्रत्यारोप चलते रहेगा। अभी 7 महीना ही बीता है, ठीक है, 2025 भी पूरा खत्म हो जाएगा, फिर भी आपको ये केस क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप जब तक खत्म नहीं होगा केस क्लियर नहीं होगी। क्योंकि पटना हाईकोर्ट में आप देखें मात्र 4 महीना के अंदर जो है ना 2 केस, सिंगल बेंच डबल बेंच, जो कि सिंगल बेंच से डबल बेंच आने में और केस क्लियर होने में सालों साल लग जाता, बट यहां पर 4 महीना में केस क्लियर हो गया। काहे, क्योंकि सभी लोग एक साथ थे, हर्षित थे, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगता था, और अभी आरोप प्रत्यारोप के कारण, आपसी विवाद के कारण ये केस इतना लेंदी हो गया, ठीक है, और इतना डिले केस में हो रहा है, ठीक है। देख रहे हैं एडवोकेट जब है तो सिर्फ जो है जूनियर एडवोकेट जब काउंटर फाइल बारी आती है तो उसमें भी देख रहे हैं खाली रॉन्ग काउंटर फाइल होती है हर चीज। आखिर रीजन क्या, ये सिर्फ एक ही चीज दर्शाता है, जो सिर्फ और सिर्फ लोग को पैसा चाहिए। 32,127 एनएम बहनों को फ्यूचर से किसी को कोई लेना देना नहीं है। अगर फ्यूचर से लेना देना रहता तो ये 7 महीना नहीं बीत जाता, और 7 महीना में अभी तक जो है केस क्लियर हो जाती और वैकेंसी भी क्लियर हो जाती, समझे कि नहीं। 3 साल हो गया है, आप सोचिए हमारी एनएम बहनों पर क्या बीतता होगा, आप खुद सोचिए। सुबह सुबह हमारी एनएम बहन फोन करके रो रही है, सर अब क्या होगा, अब सर सुसाइड कर लेंगे। अगर कोई एनएम बहन अगर सुसाइड करती है तो ये आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में सभी लोग जो है ना जेल में जाकर चक्की पीसेंगे। ये बात याद रखिएगा, ये बात बोल सुनिएगा। अगर किसी की वजह से कोई हमारी एनएम बहन अगर सुसाइड करती है तो, इसीलिए अभी भी समय है, ठीक है, जल्द से जल्द इस केस को क्लियर करवाइए, नहीं तो हमारी एनएम बहन अगर एकजुट हो गई है और अपने आप पर आ गई तो भाई किसी को खैर नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम किसी एक को नहीं बोल रहे, हम सभी को बोल रहे हैं, सभी मिल के इस केस को जो है ना फंसा कर रख दिए और केस को क्लियर नहीं होने दे रहे, समझे कि नहीं। इसीलिए अभी भी जल्द से जल्द अपने आप को सभी लोग संभल जाए और जल्द से जल्द केस को क्लियर करवाए, नहीं तो हमारी एनएम बहन एकजुट हो जाएंगे तो सोच लीजिए क्या हाल होगा सबका, ठीक है। इसलिए जितना जल्दी हो सभी लोग केस क्लियर करवाइए, नहीं तो फिर वही दिक्कत होगी। और हमारी एनएम बहन तैयार हो जाइए, ठोस कदम उठाने के लिए आप लोग एकजुट हो जाइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझे कि नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले थे जो एनएम केस में क्या हो सकता है और क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो पूरी जानकारी हम आपको बता दिए, आप हमारे साथ है या नहीं है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा क्लास को लेके बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा तो हमेशा आवाज उठाया जा रहा है, आप देख रहे हैं मेरे पास अभी दो क्लास है, एक उड़ान बैच है, ठीक है, एक जो है उड़ान बैच है और एक सफलता बैच है। सफलता बैच 3.0 उड़ान बैच है आयु चिकित्सक के लिए, जो आयु चिकित्सक के स्टूडेंट है इसके लिए है, जिसमें आयुर्वेदी होम्योपैथी और यूनानी तीनों आ जा रहा है। जो लोग क्लास नहीं लिए हैं क्लास ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है।
499 में क्लास मिल रही है। क्लास आपको 1 दिसंबर से ही स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। अभी वीडियो नहीं दे रहे हैं, लेक्चर वीडियो वीडियो भी मिल जाएगी आपको, अभी पीडीएफ आपको दे रहे हैं, सभी पीडीएफ अभी टाइप भी हो रही है, ठीक है। तो सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। 499 मिल रही है, इसी नंबर पे गूगल पे या पेटीएम से आपको पेमेंट करना है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत ही होगा। और एग्जाम आपका जो है जनवरी में होगी, ठीक है, एग्जाम जनवरी में देने के लिए भी तैयार हो जाइए आप लोग, समझे। और सफलता बैच हम मेरे पास है, इसमें जो हम एनएम को जीएनएम, ठीक है, ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, उसके बाद फार्मासिस्ट, एक्सरे और ओटी, इस सभी का हम क्लास करवा रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हम नंबर देते हैं 8051305735, इसी पे आपको 499 करना है गूगल पे या पेटीएम से, ठीक है। डे में आपको ये 12 बजे क्लास चलती है और नाइट में 9 बजे ये क्लास चलती है, लाइव क्लास चलती है यूट्यूब पर, ठीक है। क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में चलती है, ये आपको पेमेंट लगेगा, तो ये पीडीएफ के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज के लिए पेमेंट लगेगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी अभी तैयार किया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी आपको लिया जाएगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं लिए हैं, दोनों क्लास ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि केस में देख रहे हैं क्या स्थिति हो चुकी है। न्यू वैकेंसी अभी इसी महीना में आपको हर एक वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। और आज कैबिनेट बैठक है, तो फाइनली आज जीएनएम के नियमावली पर मोहर लग जाएगी, उसके बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले थे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं 12 बजे लाइव क्लास में, और भी हम लोग विशेष बातें करने वाले हैं। थैंक यू।